वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सा क्रिस्पी आलू पकौड़ा चाट बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ छनावा आधा कप बेसन है। छनावा लेने से क्या होता है कि गुठलियाँ नहीं बनती और बहुत जल्दी बैटर बन जाता है। तो इसको हम पानी से घोलेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कितना पानी मैंने डाला है। अभी रमजान आने वाले हैं ना, तो बड़े मजे से आप लोग ये बना के खाइएगा, मजा आ जाएगा। कम पानी डाला और छनावा था तो कितनी जल्दी हो गया, लाइक 30 सेकेंड में हो गया। अब इसमें हम डालेंगे, यहाँ देखिए हमारे पास कुछ स्पाइसेस हैं जो कि कुछ यूँ हैं। लेस देन हाफ टी स्पून नमक है, थोड़ा सा लेवल्ड है नमक, आधा टी स्पून हल्दी पाउडर और आधा टी स्पून कुटी मिर्चें, ये डाल देंगे। अगेन मिक्स कर लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के इसको एक पतला सा बैटर बनाएंगे। पकोड़े का जैसा बैटर होता है ना, उससे पतला बनाएंगे। एक साथ अगर हम सारा पानी डाल देते तब रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता, क्योंकि ये फिटता जा रहा है और जाता जा रहा है, तो इससे क्या है क्रिस्पी और लाइट वेटेड हमारे पकोड़े बनेंगे। ये देखिए ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया हमने। अब देखें हमारे पास यहाँ दो आलू है, इसका हम छिलका निकाल लेंगे। आलू कोई से भी लिए जा सकते हैं जो भी आपके घर पे मौजूद हो। और अब इसे हम बहुत थिनली स्लाइस करेंगे। तो ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक काटना है हमें। और अगर आप चाहें तो मैंडोलिन भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो कट गए थोड़े बहुत, इसको हम डायरेक्ट अपने बैटर में डाल देंगे। देखा कितने थिन थिन है इस तरह से, और काटते जाएंगे डालते जाएंगे। और यहाँ देखिए हमारे पास एक कढ़ाई है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। चूल्हा हमने रखा है मीडियम हाई, हाई नहीं रखा है, मीडियम हाई रखा है। तो चले ये पोटैटो भी कंटिन्यू करते हैं। कितने ढेर सारे दो आलू में कितने ढेर सारा कट गया, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब बेसिकली क्या होता है कि जो पकौड़े हम बनाते हैं ना, उसमें हमें बिल्कुल तेल गर्मा गर्म चाहिए होता है, फ्लेम एकदम हाई, और इसमें हमें मीडियम टू मीडियम हाई के दरमियान रखना है, क्योंकि क्रिस्पी पकौड़ा पोटैटो चाट है। तो तेल जब हम देखें ना कि इस तरह से हीट आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हम रेडी हैं। तो बस अब इसे हमें एक एक करके डालना है ऑयल में। और ये कितना टेम्परेचर है कि आसपास थोड़ा सा बबल 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 आए लेकिन पकौड़े की तरह गर्मा गर्म नहीं है, तो एग्जैक्टली ये टेम्परेचर सही है। दो आलू में ढेर सारी चाट बन जाएगी और सब खुश हो जाएंगे। तो बस आपके पैन में जितनी गुंजाइश हो इतना डाल दें। और अब ये मीडियम, जो मीडियम और मीडियम हाई रखने की रीज़न है वो यही है कि हमें बड़े क्रिस्पी करारे से चाहिए। अगर हाई फ्लेम होती तो ये बहुत जल्दी डार्क हो जाते हैं, हमें इस तरह से नहीं चाहिए। बड़े मज़े से इसको फ्राई करना है और डालने के बाद हमें जब तक टच नहीं करना है जब तक कि हमें आसपास से एक शेड नज़र ना आने लगे, यानी टोन जो इसका ये येल्लो है ना उससे चेंज ना नज़र आए। मैं आपको बताऊँगी कब।
देखिए कलर जो है आसपास से गोल्डन हो गया है, तब इसको हम पलटेंगे। ये देखें कितने खुश हैं, कह रहे हम भी बड़ा बेहतरीन सा रिजल्ट देंगे, ऐसा हमें तरीके से रख रहे हैं, क्रिस्पी कर रहे हैं, तो हम भी क्रिस्पी करारी चाट बनेंगे। तो अराउंड 5 मिनट के आसपास लगे इस कलर को आने में, तो बस थोड़ा सा और गहरा कलर अच्छी तरह से आ जाएगा हर तरफ से, जब तक फ्राई करेंगे। लेकिन अब दिल खोल के चम्मच चला सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है, हमें एग्जैक्टली इसी तरह का कलर चाहिए। तो चले इसको अब हम निकालते हैं। ये देखा आवाज सुना, कैसी क्रिस्पी करारी आवाज है। तो बस इसी तरह से हम सेकंड बैच भी डाल देते हैं। चले ये तो हमारे फ्राई हो रहे, जब तक हम क्या कहते हैं चटनियों के मुतालिक बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 चटनियाँ हैं जो कि हम बना चुके हैं अपने चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ। और एक 3rd चटनी जो कि स्पेशली इसके साथ है, वो मैं आपके सामने बनाती हूँ, जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबलस्पून मेयोनीज है जिसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी, साथ ही इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, ना हो तो रेगुलर लाल मिर्चें भी ले सकते हैं, थोड़ी कम ले लें, ये इसमें क्या कलर ज़्यादा है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून केचप, ताकि थोड़ी सी इसमें मीठापन भी आ जाए। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के आसपास नींबू का रस। और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये एकदम हटके हमारी 1 चटनी बन गई। तो देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और यहाँ देखिए किनारे जो है वो ब्राउन हो गए हैं, तब इसको हम हिलाते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। और अब चूल्हे को करते हैं बंद। और ये जो बारीक बारीक बूंदियां हैं ना, ये जरूर लीजिएगा, इससे और क्रिस्पी और करारे लगते हैं। तो चले अपनी प्लेट बनाते हैं। तो ये एक प्लेट है, इसमें हम डालते हैं, फैला लिया अच्छे से। और अब उस पर डालेंगे ये हरे धनिया की चटनी। अब कम ज़्यादा आपको जितना दिल चाहे डाल सकते हैं। और ये मीठी चटनी इमली की, यम यम। और ये हमारी मेयो वाली चटनी। और ये हमारा चाट का मसाला। ये थोड़ी सी लाल मिर्च और साथ ही देखें हमारे पास यहाँ टोमेटोज है, अनियंस है और ये हरा धनिया है, तो ये थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है भाई। अब दोबारा थोड़ी सी चटनी डाल देंगे, मर्जी है आपकी, आपको जितना अच्छा लगे डालें, यू आर योर ओन बॉस। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारी खतरनाक सी क्रिस्पी आलू पकौड़े की चाट बन गई, मानते हैं आप? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। Mmm.
आवाज सुन रहे हैं आप? कई चटनी में बहुत सारी डिप है, तीन तीन तरह की चटनियाँ। मेवो वाली चटनी एक रिचनेस दे रही है, मीठी चटनी मीठापन दे रही है, हरे धनिया की चटनी एक हल्की सी तेजी पैदा कर रही है और रिचनेस। बहुत खतरनाक है, मैं बता रही हूँ, मैं आप लोग को बहुत मिस कर रही हूँ और ये आप लोग के लिए। माइंड ब्लोइंग। और फिर ऊपर से प्याज की क्रंचनेस, हरे धनिया, टमाटो, ओ माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। आप दिनों में भी जब आप खाएंगे तो बड़े मज़े की लगेगी, मेहमानों को देंगे वो पागल छागल हो जाएंगे खुशी से। और फिर देखा कितनी सस्ती, जो चटनी आपके घर में रखी हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बनानी हो तो लिंक जो है यहाँ दे दिया है, ज़रूर बनाएं। और नंबर टू, ये जो सादे रखे हुए हैं ना पकौड़े, ये चिप्स की तरह ये भी खाएं, एक तीर से दो निशान है, मज़ा आ गया। और ख़ास तौर से रमज़ानों में जब आप बनाएंगे ना, जो मुंह फीका हो जाता है ना, हर फ्लेवर हर टेक्सचर आपको मिलेगा, ज़िंदगी दुबाला हो जाएगी। तो बनाना बनता है, तो जल्दी जल्दी जाएँ बनाएँ, खूब मज़े करें, मज़े करवाएँ। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।